एक महीना हमको निकलने का टाइम दे दो। तालिबान ने कहा एक हफ्ता टाइम देते हैं, चले जाओ नहीं तो मारेंगे वहां पे। भागा तो लोग जहाज ले लेके काबुल से यहाँ पे। सुन रहे हो जी, बेंचा भूंग दो। आपको अजीब लग रहा होगा, पाकिस्तान के लोग पैसे लेके अपनी बेटियों की शादी चाइना में कर देते हैं। तालिबान को सपोर्ट देने के लिए अमेरिका ने लाया ओसामा बिन लादेन को, कहा कि बहुत दिमाग वाला आदमी है, मारो इसको भी शामिल करो। तो ओसामा बिन लादेन भी शामिल हो गया। अब पैसा लिया किससे? अमेरिका से। ट्रेनिंग लिया अमेरिका से, हथियार लिया अमेरिका, मारा किसको? रूस को। और उसके बाद 2001 में फिर किसको मार दिया? अमेरिका को मार दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया उसका, मारा बिल्डिंग उड़ गया। अमेरिका कहा कि ऐसा काहे किया? कहा कि देखिए, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी सीख लिए हैं, आप ही का लक्षण सीख लिए हैं। नहीं समझ आया? आप किसके हुए हैं आज तक? पाकिस्तान के लिए परमाणु बम मारने आया था, अभी पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता है, फोन नहीं किया अभी तक। जो बाइडन अमेरिका को अभी तक फोन ना किया था, इमरान खान चलिए गए उसका फोन करते इंतजारे में। तो यहां अब अमेरिका के ऊपर किसने हमला कर दिया? ओसामा बिन लादेन। अब ओसामा बिन लादेन को भड़क गया अमेरिका और पूरी सेना उतार दिया कहां? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आ गया, समझ में आ गया? अफगानिस्तान में सेना उतार दिया। अब अफगानिस्तान में सेना उतार दिया, जाएगा किधर से? वो सेना लेके जाएंगे किधर से? कोई रास्ता ही नहीं है, अफगानिस्तान लैंडलॉक है, उधर ईरान जाने नहीं देगा, हम नहीं जाने देंगे यहाँ पर। उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान ये रूस के फेवर के, जाने ही नहीं देंगे सर ना। तब एक ही रास्ता, या तो इंडिया से जाए या तो पाकिस्तान से जाए। इंडिया ने मना कर दिया, हम अपनी जमीन किसी दूसरे के ऊपर बम गिराने के लिए यूज नहीं करना। आज भी अफगानिस्तान वाले हमारा एहसान मानते हैं, आज भी। अब पाकिस्तान ने कहा कि हम जाने देंगे लेकिन हमको कुछ पैसा चाहिए। आपको अजीब लग रहा होगा, पाकिस्तान के लोग पैसे लेके अपनी बेटियों की शादी चाइना में कर देते हैं। वो शादी नहीं करते हैं, एक तरह से समझिए बेचा गई हुआ यहां पर। अब आप बताओ, किसी लड़की की ब्याह, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो खाने पीने का कल्चर है ना, कमोबेश एक जैसा मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत का अंतर है, वहां पे नॉनवेज कुछ ज्यादा ही मात्रा में चल जाता, तो हमारे यहाँ कौन मा नॉर्मल चलता है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कल्चर ऐसा नहीं है कि वहां पे सांप बिच्छी खाएगा सब। कमोबेश जो खाने का कल्चर है ना, थोड़ा बहुत क्या है, सेम ही है। क्यों? पाकिस्तान आज ना अलग हुआ था, तो हम ही लोग का माप। अब आप बताइए, किसी ऐसी लड़की की शादी ऐसे लड़का से हो जाए जो सुबह सुबह सांप नोच के खाए, ये बताइए आप लोगों को कैसा लगेगा? सवेरे सवेरे सुन रहे हो जी, बेंचा भूंज दो, मेढक भुजवाएगा सवेरे सुबह नाश्ता में, हाँ लीजिए खा लीजिए, बढ़िया बना है। रद्द कर दिया आप। हाँ, चिपकीली फ्राई करके और धीरे धीरे खिला खिला के आदत तो लगा देगा। अरे अजीब अजीब खाता है सब। अफगानिस्तान के लोग इसीलिए आज भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं, क्योंकि तुमने कुछ पैसों के लिए देश पे हमला करने का अधिकार। अच्छा, ये पाकिस्तान वाले पे भरोसा मत कीजिएगा। जितने बड़े आतंकवादी थे उनको कह दिया तुम पाकिस्तान में आके रह जाओ, और अमेरिका से कह रहा मारिए बम मारिए उसको। समझ में आ गया कि नहीं? अमेरिका ने यहां लड़ाई लड़ा 2001 से 2021 तक, कितने साल? 20 साल। कितने साल? फिर वापस चल गया हार के। अफगानिस्तान में नहीं जीत सकता कोई, ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में इतना पहाड़ है, इतना पहाड़ है कि 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको 5 घंटा लगता है। 1 किलोमीटर आगे बढ़ना है ना तो 5 घंटा, और अब बाकी लोग वहां सर्वाइव नहीं कर सकते, अब वहीं पे पैदा हुए हैं। अब नेपाल में नेपाली ना जीतेगा? नेपाल में क्यों नहीं जीत पाया कोई? पहाड़े आइए, आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से पत्थर चला के मार दे ले जो यहाँ पे आएगा यहाँ लड़ाई करने। अब पथरवा जो होता है गोली से ज्यादा खतरनाक होता है, गोलियां तो सीधे जाता है, उधर तो जब पथरवा एक हो जाएगा 4 टुकड़ा में टूटेगा, कौन रस्सी से चढ़ रहा मत गिर तो रहे, अब मुड़िए गिर गया वहां, अब वो गिरेगा आपका पार फूट गिलो, 4-5 गो को लेकर उलाट दिया वहां पे, और मरेगा तुरंत नहीं, 2 दिन में मरेगा। कहर कर अरे बाप रे हमारे एक और के कपार फाट गिलो, उसका देख के आधा आधा जाएगा, अरे बाप रे बाप पूरा बड़का ईटा चला दिया इसके। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अफगानिस्तान बड़ी खतरनाक जगह। अफगानिस्तान 30 साल लड़ाई लड़ा है, कितने साल? 10 साल रूस से, 20 साल
आज वही अमेरिका अफगानिस्तान से समझौता करके वापस चला गया, और अमेरिका को लगता था कि अफगानिस्तान को जीत लेगा। अमेरिका ने 90 बिलियन डॉलर, कितना बिलियन डॉलर, 90 बिलियन डॉलर पैसा खर्चा किया था। किस पर? अफगानिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए कि तुम बंदूक कैसे चलाना है, हेलीकॉप्टर से कैसे कूदना, एकदम बेहतरीन ढंग से। अमेरिका चला गया, इस सैनिक किधर भर्ती हो गया सब, तालिबान में। जितना सैनिक था किधर भर्ती हो गया था, कुछ बचा सब, जो बचा उस किस काम का, किसी काम का नहीं। अब अमेरिका के जितने लोगों को ट्रेनिंग दिया था अफगानिस्तान में, उनको रूस बुला लिया अपने पास, पुतिन, कहा कि जितने लोगों को अमेरिका ने ट्रेनिंग दिया था, जिन जिन सैनिकों को, आप आ जाइए रूस में, हम अच्छी सैलरी देंगे। तो उन लोगों को भी लगता है कि क्योंकि ना वहां पे जिन लोगों को अमेरिका ने ट्रेनिंग दिया था उसको तालिबान वाला अपने नीचे रखता है, मतलब तो नहीं तुम बात मानना कुछ है तो है सभी रूस अफगानिस्तान वाले, मार के रद्द कर दिया सब, देख रहे हैं। तो छोट मोट देश को मारे तो समझ में आता है, होलसेल में मार रहा है सब अमेरिका। अच्छा अमेरिका में ना अकेले नहीं गया था, 28 देश की सेना गई थी उसमें, अफगानिस्तान की नाटो सेना 28 देश का। ब्रिटेन वालों को तो मार के और रद्द किया था, सोचा ब्रिटेन सबसे पहले फ्रांस भाग गया, हमरे बस के ना हो तो आगे बढ़े तो ये सैनिक कहां चले गए। अभी रूस इन लोग को और अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है, और इन्हीं ट्रेनिंग दे के उतारेगा इन्हें यूक्रेन, कहां उतारेगा, यूक्रेन में। उधर से कौन है, अमेरिका सादर आई अपने भड़कल है सब किस पे, अमेरिका को। अब रूस कहेगा कि इसमें यूक्रेन में कौन लड़ रहा है, अमेरिका द्वारा ट्रेंड किए गए सैनिक आयात कर लिया है कौन, रूस, और उन्हें मारने के लिए लगा दिया है वियतनाम। इसलिए नेवर अंडर एस्टिमेट पुतिन, समझ आ गया कि नहीं आ गया, पुतिन पुतिन है वो, एकदम खतरनाक माइंड लगा है। लड़की लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, दिमाग लगाई लोग समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग सीरियल देखिए, लोग सास ननद के बाहर जाइए नहीं करता है दिमाग, समझ में। अच्छा सीरियल में देखिएगा ना, लड़की सब ज्यादा दिमागदार होती है सर, ननद तेज दिमाग की, और उसका हस्बैंड बहुत दार आएगा, क्या हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हस्बैंड को सीरियल में दिखाता कौन चाहिए, लैपटॉप खोलते हुए फिर ऑफिस जाते हुए खत्म खत्म कहानी उसका बेचारे के, हाँ टाई लगाते हुए। अच्छा टैया लगाएगा तो कुछ सुनाएगी, तुम्हारी माँ ऐसे बोल रही थी। तो आप लोग इस सब अब थोड़ा सा बड़े बड़े लड़ाई पे उतरिए, दिमाग क्या होगा काम करेगा। सीरियल उरियल सब देखती है, सब इसमें सब नहीं देखने, ये सब छोट छोट लड़ाई नहीं देखना चाहिए, ये सब देखिए वियतनाम लड़ाई, ये सब सीरियल से भी खतरनाक है सब। यहाँ पे देख रहे हैं पूरी दुनिया में गेम चल रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, अमेरिका है 20 साल लड़ाई लड़े थे, चल गए 2001 से 2021, और उसका भागे थे लोग। जिस दिन अमेरिका जा रहा था उस दिन भी 6 सैनिक मारे गए थे, जिस दिन जा रहा था उस दिन तालिबान ने अल्टीमेटम दिया था, इतने तारीख तक तुम्हें चले जाना नहीं तो हम मारना चालू कर देंगे। सोचिए हम लोग क्या सोचेंगे, अरे जाइए रहे, जाने दो। उसने टाइम दिया था 1 महीना हमको निकलने का टाइम दे दो, तालिबान ने कहा 1 हफ्ता टाइम देते हैं, चले जाओ नहीं तो मारेंगे वहां पे। भागा तो लोग जहाज ले लेके काबुल से, यहाँ पे पूरे सैनिक लोग यहाँ पर अमेरिका, तो अमेरिका जो है ना पूरी, अभी अमेरिका की घिनौनी हरकत तो आप इराक में देखिएगा, बर्बाद करके रखे 30,000 लोगों को बिना मतलब घर पे बम गिराया था, स्कूल पे हॉस्पिटल पे ऐसे ऐसे जगह पे, इराक पे। अभी लीबिया देखिएगा तब समझ में आएगा, यहाँ पे सीरिया में, यमन में, अभी ईरान के पीछे पड़े हैं सब। कभी किसी को ये मारते हैं सब ना तो 10 साल तक उसको बहुत टॉर्चर करेंगे से, इधर उधर, समझ में क्या। कभी सीरिया इजराइल से बम गिरा देंगे सब, कभी जहाज मार के गिरा देंगे सब, कभी जासूसी करने आएगा सब। अब बताइए ईरान के ऊपर इसको अपना जासूसी विमान भेजने की क्या जरूरत है, अब मारेगा तो कहेगा कि ईरान मारा हमको, ईरान मारा, अरे लोल कहीं का, तो काचुम को अपने घरे में घुसा के बैठा ले सब। इस सब पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए सबसे अच्छा अपने युद्ध के लिए तैयार रहिए। बोलिए बाबू,